बेटियों की शादी और पढ़ाई की चिंता सभी को रहती है, इसी के लिए सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है। इस योजना को लेकर सरकार में भी जबरदस्त क्रेज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में भारतीय पोस्ट ऑफिस की ओर से हर साल औसतन 33 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जाते हैं। पिछले 8 सालों की बात करें तो भारतीय डाक विभाग ने करीब 2,70,00,000 खाते खोले हैं। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने 1 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत काल की शुरुआत के मौके पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया था। और हैरानी की बात यह है कि इनमें 2 दिनों में ही भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत करीब 11 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी दी। बता दें कि 22 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने बेटियों को फायदा पहुंचाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत बेटियों के पिता के नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोलने का प्रावधान है। खाता खोलने की न्यूनतम राशि 250 रूपए और अधिकतम राशि 1,50,000 रूपए निर्धारित है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके भारतीय डाक विभाग को बधाई दी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, इस महान उपलब्धि के लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस को बहुत बहुत बधाई। ये प्रयास देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा और उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। बता दें भारतीय डाक विभाग के विशेष अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया था वो से काफी ज्यादा रहा है। भारतीय डाक ने 7,50,000 सुकन्या समृद्धि खाते खोलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये लगभग 11 लाख के आसपास पहुंच गया, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। योजना के तहत आपकी बेटी के खाते पर सालाना 7.6% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। इसके अलावा हर 3 महीने पर ब्याज की समीक्षा भी होगी। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इसमें टैक्स छूट भी मिलती है। बता दें कि इससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना 2021 के तहत ब्याज दर 9.1% थी, जिसे बाद में कम कर दिया गया, जब तक कि बेटी 18 या 21 साल की नहीं हो जाती। खाते से पढ़ाई के लिए 50% राशि निकालने का प्रावधान है। इस योजना में खुद को पंजीकृत कराने के लिए आप RBI की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।